नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुहागिनों के लिए बड़ा मायने रखने वाला पर्व करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ सुहागिनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व खास करके उत्तर भारत में मनाया जाता है। हालांकि पिछले कई सालों से इसका प्रचलन बिहार, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी बढ़ा है। यह व्रत कार्तिक महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। इस त्योहार का दूसरा नाम करक चतुर्थी भी है। करवा चौथ में भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, चंद्रमा और करवा माता की पूजा होती है। पूजा के दिन कई नियम कायदे होते हैं, जिसे निभाने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। तो दूसरी तरफ व्रत के दौरान कई ऐसी गलतियों का भी ध्यान रखना होता है, जिन्हें महिलाओं को व्रत रखने और व्रत तोड़ने के बाद भी नहीं करनी चाहिए। इस साल सुहागिनों के लिए शुभ लाने वाला यह पर्व 24 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। 5 सालों के बाद करवा चौथ पर शुभ योग बन रहे हैं। इस बार रोहिणी नक्षत्र में यह पूजा होगी, तो वहीं दिन रविवार होने के कारण चंद्रमा के साथ साथ सूर्य देव का भी आशीर्वाद व्रती महिलाओं को मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप भी या आपके घर में कोई महिला यह व्रत कर रही है, तो उन्हें कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। ऐसे में हम आपको खास तौर पर 8 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे करवा चौथ के दिन करने से बचना चाहिए। आपको व्रत और पूजा के दौरान जो गलतियां नहीं करनी है वो इस तरह है। नंबर 1, करवा चौथ वाले दिन व्रती महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठकर आप व्रत संकल्प के लिए तैयार रहें, क्योंकि हिंदू धर्म में व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही मानी जाती है। नंबर 2, आजकल महिलाएं करवा चौथ वाले दिन किसी भी रंग के कपड़े पहन लेती हैं, मगर काले या गहरे भूरे रंग के कपड़े पहनने से महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में इन रंगों को शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के ही वस्त्र पहने, क्योंकि सुहागिनों के लिए लाल रंग शुभ माना जाता है और लाल रंग प्रेम का भी प्रतीक है। नंबर 3, हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के व्रत के समय महिलाओं को सोकर व्रत नहीं गुजारने चाहिए और ना ही घर में किसी भी सोते हुए सदस्यों को उठाना चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। नंबर 4, इस दिन नुकीले चीजों के इस्तेमाल से बचने की बात होती है, यानी आपको इस दिन सुई धागे, कढ़ाई, सिलाई जैसी चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 5, करवा चौथ वाले दिन सफेद चीजों को दान नहीं करने चाहिए, जैसे कि सफेद वस्त्र, दूध, चावल, सफेद मिष्ठान आदि का दान ना करें। नंबर 6, करवा चौथ व्रत से पहले सास द्वारा बहू को सर्गी देने का रिवाज है। सर्गी यानी कि कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार के सामान को सास से लेने के बाद सर्गी खानी चाहिए। उसके बाद ही स्नान, ध्यान और पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शाम के समय चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलें। अगर आपकी सास नहीं तो घर के किसी बड़ी सुहागिन सदस्य के हाथों भी सर्गी ली जा सकती है। नंबर 7, महिलाओं को इस दिन अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रती महिला अच्छा सोचे और अपनी वाणी से किसी का बुरा ना बोले, ना ही किसी के भी पति के बारे में बुरी बातें कहें। नंबर 8, करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं करती हैं, इसलिए इस दिन महिलाओं को अपने पति से किसी भी बात के लिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखना चाहिए, तब व्रत का लाभ मिलता है। ये तो हुई ना करने वाली बातें। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूजा को मनाने का इतिहास क्या है, इस बार शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा के दौरान क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।